तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में मोबाइल डाटा में यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा अगर आपके मोबाइल को यूज़ करता है और मोबाइल डाटा को ऑन करता है, तो उसके बाद भी आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं उस एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा। चाहे आपके पास रेडमी का मोबाइल हो, पोको का हो, सैमसंग को हो, सभी डिवाइस में ये वर्क करेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने अपने मोबाइल में मोबाइल डाटा को ऑन नहीं किया है, मैं यहाँ पे मोबाइल डाटा को ऑन कर लूँगा। मैंने यहाँ पे मोबाइल डाटा को ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे YouTube को ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं YouTube यहाँ पे ओपन नहीं होगा। उसी प्रकार अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे Google Chrome को ओपन कर लूँगा, और Google Chrome को ओपन करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे Facebook को यूज़ करना है या Amazon एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो आप कैसे अपने मोबाइल में मोबाइल डाटा में लॉक लगा सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ मोबाइल डाटा को ऑन करके कैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे मोबाइल डाटा को ऑन करूँगा, और मोबाइल डाटा को ऑन करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि YouTube को यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे YouTube को क्लिक करूँगा, और YouTube पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए मेरा यहाँ पे YouTube चलेगा। तो मैं यहाँ पे YouTube को भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे Google Chrome को यहाँ पे यूज़ करना है, Google Chrome पे क्लिक करूँगा, और अगर मुझे मान लीजिए कि Amazon एप्लीकेशन यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे Amazon एप्लीकेशन को भी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। Facebook यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे Facebook को भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मेरा अभी यहाँ पे मोबाइल डाटा चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मोबाइल डाटा में आप कैसे यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लॉक लगाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेरा यहाँ पे दो सिम है, एक है सिम वन और एक है सिम टू। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो जिस सिम से आप यहाँ पे मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं उस सिम नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिम वन पे क्लिक करूँगा, और सिम वन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एसएस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पे। आपको मिल जाएगा एसएस पॉइंट नेम, आप यहाँ पे अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हैं कि आपका एसएस पॉइंट नेम कहाँ पे है। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको एपीएन देखने को मिलेगा। अगर आपका जितना भी यहाँ पे एपीएन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एरो देखने को मिलेगा, इस एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहां पे एपीएन बना हुआ है वो यहां पे एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप क्या करें इसकी, सिंपली आपको यहां पे नीचे में मोर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको डिलीट एपीएन पे क्लिक कर देना। तो जितना भी एपीएन होगा उसको आपको यहाँ पर डिलीट कर देना, और डिलीट करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ से बैक होते हैं, और बैक होने के बाद कोई भी बंदा अगर आपके मोबाइल का डाटा यहाँ पे ऑन करता है, और ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे YouTube को ओपन करने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ पे YouTube ओपन नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, YouTube यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे YouTube प्ले नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार घूमते हुए रहेगा। और अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करेगा, तो गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद अगर वो मान लीजिए फेसबुक को ओपन करेगा, तो फेसबुक को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल डाटा होता है वो यहाँ पे एक तरह से लॉक लग जाता है। अगर आपको फिर से यहाँ पे एपीएन लाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद फिर से आपको सिम कार्ड पे जाना है। सिम कार्ड पे जाने के बाद आपको सिम नंबर पर क्लिक करना है, देन आपको एसएस पॉइंट नेम पे जाना है, और एसएस पॉइंट नेम पे जाने के बाद नीचे में ही आपको रिसेट वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे रिसेट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे रिसेट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे एपीएन आ जाएगा, और सिंपली फिर से अगर आपको यहाँ पे एपीएन को डिलीट करना है, तो आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मोर में जाना है, डिलीट एपीएन कर देना है, और दोबारा लाना है तो रिसेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने मोबाइल डाटा में लॉक लगा सकते हैं और अनलॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।